सुबह सुबह बरसात आ गई। अरे रे रे रे। तो भैया आज सुबह सुबह बरसात आ गई, पता नहीं कैसे अचानक से मौसम बन के, वो भी मौसम था ही नहीं, एकदम रिलैक्स मौसम था, लेकिन फिर भी ये देखो पूरा उल्टा गीला हो गया। तो भाई फादर इंडिया बांध रहे भैंसों को, अब मैं खड़ा हूँ बाहर की साइड, क्योंकि एक बंदे को खड़ा रहना पड़ता है। अगर खड़ा नेता बनता तो ये मान लो भैंस भागना शुरू कर देती, और एक बार जो भागना शुरू कर दिया तो ये मान लो, ये देखो इस तरह से तबाही मचा देती है भागने से, तो इसी तरह से बांधनी पड़ती है ये। तो अभी दूसरे नंबर की भैंस हमारी, तो इस टाइम सिर्फ दो ही भैंसें हैं, बाकी तो खैर ज़्यादा भैंस ये मान लो पाल भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा माथा पच्ची है इनकी। ये वीडियो में जितनी सरल आपको देखने में लगती है ना, उनसे बहुत ज़्यादा भयंकर है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी है यार भैंस वगैरह पालने में, मतलब पशुपालन वगैरह वास्तव में मेहनती चीज़ है, काम भी बहुत ज़्यादा मेहनत का है, आप अंदाज़ लगा सकते हो उस चीज़ से। एक आदमी को डंडा लेकर खड़ा रहना पड़ता है कहीं भैंस भाग नहीं जाए, और एक बार भागने लग गए ना तो बस रुकेंगे नहीं। तो काफ़ी सारी बरसात आ गई, पहले बाहर रोटी बना रहे थे इसलिए चूल्हा ही हो गया भाई बरसात में, तो इसको ढकना पड़ा, अब अंदर बना रही रात के। अरे वाह आज तो सुबह गैस पे चल रही है, रसोई की हालत अभी भयंकर रही यार है। तो ये है कि आज बहुत दिनों बाद गैस पे रोटी बना रहे हैं हम, समथिंग 5-6 महीने बाद तो कम से कम, बड़ा और खड़ी खड़ी वाह, दो गैस, अरे वाह चलो लगे रहो, करते रहो कोशिश। इधर फादर इंडिया का हो गया भाई हुक्का स्टार्ट मौसम देख के, तो ये रख दिया भाई हुक्का का काम सुबह सुबह, इसमें आग होगी तो इसमें से रखेंगे, चिमटा दीजिए दो मिनट, चिमटा दो एक मिनट को जल्दी आग रख दूँ हुक्का में। तो भैया इतनी सारी तो पहले बरसात आ रही है, इतनी बरसात में ओके किया, तो रखते हैं देखते हैं इसमें आग हुई है कि नहीं। इसको हटा लेते हैं, चलो जल्दी से। बस तो कह रही है कि लकड़ियाँ आ गई तो लकड़ियों की आँच अच्छी हो जाती है, नहीं तो जो नहीं होती कोर की आँच से ज़्यादा अच्छा चलता है उसका। इसको ढक देते हैं, चिमटा एक मिनट ले। चिमटा देखो लेगी, चलो बढ़िया है, और घास से सीख लेती क्या फर्क पड़ा, मैंने तो कुर्सी की आदत से जरूरी थोड़ी चिमटा से सीखे, तो खड़ी खड़ी को रोटी बनानी पड़ रही है और खड़ी खड़ी को गीले खाना पड़ रहा है, वाह। तो बैठ लेना तसल्ली जब बना ले, बन गई तो ऐसी चलती फिरती हवा में बना रही रोटी। बढ़िया भाई, तन खाली रोटी बोटी आज भाई तो बनाई है, नमक का डब्बा यहाँ रख रखा था ना यार, मैंने थोड़ा देखा था वैसे ही नमो बदनाम कर रही है वैसे ही, और क्या रोटी खा बड़ा थोड़ी रखा, रोटी बना बड़ा रखा नमक के डिब्बा इधर, और लसर का खाट है लगा जोर, तो आज खाट वाट सारी कुछ अंदर रखनी पड़ेगी, बरसात में भीग जाती है वैसे भी, ये जो खाट होती है ना क्या बोलते हैं इसको, मूज की खाट, मूज बोलते हैं हमारी साइड इसको, अरे तो चप्पल से कहाँ भीतर घस रहा हूँ यार, तो ये मूज की खाट बोलते हैं हमारी साइड, जो भीग जाते हैं तो थोड़ी कम चलती है, नहीं वैसे इनकी एज ये मान लो 100 साल से भी क्रॉस हो जाती है, कई बार बहुत अच्छी चलती है ये मान लो, ये एकदम 100% नेचुरल रेशो से बनाई हुई खाट है भाई, पहले बनाते थे अब तो खैर बनती नहीं है, सर्दी है ही ज़्यादा है, बरसात अभी भी रुक नहीं रही, पल पूरी तरह गीला हो चुका भाई देखो, और चूल्हा जलाए पट्टी लगा, हम आग लग जा रही है, हम आग लग जा रहे, बेर खा रही, बेर ले रहे ले, कोई अंगूर तो बढ़िया जो कटी डाल रहेगी, अरे खा ले, हाँ खा ले ना अंगूर से इतनी खट्टी डाट हो जाए यहाँ से, खाए को
है भाई, इसके अंगूर से खटी डाट हो जाती है बताइए तुरंत से, तो बेर एंड क्या नुकसान हो सकता है खैर जी। ऐसा आदमी बोल रहा है नेक्स्ट चीज में नुकसान हो जाए, बिना देखे कैसे लगा हुआ देख ताड़ा देख अच्छा चाबी बना देगा मतलब है, चलो ताड़े बेचे हुए या फिर मतलब नहीं, सुधार अच्छा ओनली सुधार ही है ताड़े ने, चलो बढ़िया। गांव में ये फायदा जरूर होता है घर बैठे सब चीज उपलब्ध हो जाती है आपको, फेरी देने वाले आते रहते हैं, कभी लॉक सुधार करने वाले, कभी चैन सुधार करने वाले, इस तरह के आते जाते रहते हैं दिन में, मान लो 50-60 लोग तो कम से कम गुजर जाते हैं यहाँ से वहां तक। कभी कभी दाग बेचने वाला, कभी गन्ने बेचने वाला, कभी सब्जी बेचने वाला, दाग बेचने वाले से तो खा के काटे दो चार बार हम नकली दाग देके चले जाते हैं वो, ये मान लो तो बच के रहो उनसे तो खैर। कभी आलू बेच वाड़ो, कभी तय बेच वाड़ो, कभी खड़ी अरे वाह बात तो सही है। खैर ऐसा है भाई कि मैं बाल बनाता ही नहीं हूँ, बाल कोई बाई चांस कोई बहुत तगड़ा मतलब कोई जरूरत हो तब जाके मान लो, नहीं तो बाल सूतने का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ हाथ दिए और हो गया काम, ज़्यादा रामायण की जरूरत नहीं है। तो आज ये मान लो करीब करीब 4-5 महीने बाद कंघी लगाई मैंने बालों में, वो भी मेरे बाल गाली देने लग गए तब जाके। ये दाढ़ कहीं सूखे रखी रही काई की दाढ़ है वरी आरड़ की दाढ़ भैया, ये सारी की सारी आरड़ बताई कोई सारी आरड़ मतलब दाल दो तरह की होती है, एक तो पिसी हुई और एक बगैर पिसी हुई, तो बिना पिसी आरड़ की दाढ़ जो कि काफ़ी पसंद है मेरे घर वालों को, खासकर मेरे फादर इंडिया को तो बहुत ज़्यादा खैर आरड़ की दाढ़ है लगती बढ़िया ये। दोपहर को 2:30 बज चुके हैं भाई, और ये मान लो कि यार घर ही करके ब्लॉग करते काफ़ी सारे दिन हो गए, आज घर पे चुनना भी नहीं है 2-4 दिन से तो अच्छा नहीं लग रहा, बाकी तो खैर मदर इंडिया और ये दोनों है तो ये दोनों एक जैसे खामोश बैठने वाले। तो मैं जा रहा हूँ दौसा देखना ब्लॉग को एंड तक, काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ वहाँ भी कवर करानी है, तो चलो चलते हैं एक दो दिन बाहर, फिर गाँव तो खैर आना ही है तो चलो निकलते हैं। सबसे पहले बैग तो रख लिया कैमरे का, ये ठीक है शायद सर्दी तो खैर बढ़ चुकी है लेकिन काम चलाएंगे इससे जूता रखने की जगह देखो बैंगन हरी ठीक है टोपा ओपा तो अभी नहीं है जाड़ो ठीक है रही है ना मोबाइल का ध्यान रख। अरे भैया मोबाइल का ध्यान रख, जो नाई की पेटी टांग ली मैंने निकलता हूँ, मोबाइल का ध्यान रखते मदर इंडिया का पता है भाई महंगा फोन है कोई लूट खसोट ले ध्यान रखना पड़े, तो चलो चलते है। तो ये मिल गई भाई स्लीपर बस, आज तो इसमें लेटे लेट जाना है मान लो, खैर काफ़ी टाइम बाद एक स्लीपर बस में बैठना हुआ है, क्या ही काम पड़े, काफ़ी बढ़िया चीज़ है सही में। तो पहुंच चुका हूँ भाई दौसा सिटी, यहाँ पे बस उतरना ही है कलेक्ट्री चौराहा, बस उतरना है एक मिनट में, और ये आ गया मुझे पिकअप करने के लिए भाई, हाँ मित्र क्या हालत रहे बस बढ़िया यार।